ओके सो फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमारा एलसीएम ऑफ एन नंबर्स निकालने का टास्क है। तो एलसीएम हम पढ़ते आए हैं, दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। और दो नंबर्स जो होते हैं, हमें एलसीएम का मतलब पहले समझना होगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या एलसीएफ बोलते हैं आप तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा वो नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स से डिविजिबल हो। सबसे छोटा वो नंबर जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये चेक करूंगा इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ 4 और 8 का। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 4 और 8 में बड़ा कौन सा है, 8। लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 और 8 से डिविजिबल होगा। 4 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 6 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 7 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 8 8 वो नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल है। 8 वो कॉमन नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। साथ ही 8 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। जो बड़ा नंबर होगा वो तो दोनों से डिविजिबल हो सकता है, उससे नीचे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ इटरेशंस बचा कर रखने हैं। ठीक है, कम रखने हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने एक वाइल लूप इंट्रोड्यूस किया। मैंने बोला वाइल ट्रू, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं आता है। तो मैंने ग्रेटर नंबर देखा, मैंने बोला 8। 4 और 8 का एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। तो 8 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, एंड 8 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है। तो मैं बोलूंगा 8 मेरा एलसीएम है, ब्रेक कर दूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा, रिटर्न कर दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 12 और 18। तो 12 और 18 में सबसे पहले मैंने चेक किया बड़ा कौन सा है, 18, क्योंकि कम से कम मैं ये चेक कर सकता हूँ कि 18 12 से डिविजिबल है, 18 18 से डिविजिबल। उसके पीछे के मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब नंबर 18 से छोटे हैं। तो 18 तो वो सब 18 से डिवाइड होंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास आया 18, तो मैंने चेक किया क्या 18 12 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 18 18 से डिविजिबल है, हाँ। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है बीच में, एंड ऑपरेटर, यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इफ के अंदर वो नहीं जाएगा, वो इफ के बाहर जाएगा और 18 जो है वो इंक्रीमेंट होके बन जाएगा 19। फिर मैं बोलूंगा 19 12 से डिविजिबल है, 19 18 से डिविजिबल है, नहीं। फिर वो नंबर 20 बना, 21 बना, 22 बना, इस तरह से आगे चलते हुए ये नंबर पहुंचेगा 36 पे। तो 36 पहला ऐसा नंबर है जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल है, और इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल है। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 36, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 12 एंड 18। तो जैसे ही मैंने 12 और 18 लिया, मुझे आंसर मिलेगा 36, रिटर्न हो जाएगा एलसीएम, ब्रेक हो जाएगी लूप, टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है, दो नंबर्स के लिए दिस विल बी द लॉजिक। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा टास्क था एन नंबर्स निकालने के। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इनके दो नंबर्स ले लेता हूँ, 2 और 7। ठीक है, लेकिन कैसे ले रहा हूँ, मैंने 2 को बोला कि ये L0 पे लाई करता है, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे जो लिस्ट में वैल्यू है वो ए में चली जाए, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो बी में चली जाए, और ये ए बी मेरे दो नंबर्स बन गए N1 और N2, और इनको मैंने फाइंड एलसीएम किया, एक एलसीएम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 और 7 लेता हूँ, तो 2 और 7 का एलसीएम मुझे मिलेगा, यहाँ से पहले चेक हुआ 7 बड़ा है, 7 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 7 7 से डिवाइड होगा, हाँ, बट दोनों होना चाहिए था, इफ के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा। 7 बन गया 8, 8 भी दोनों से नहीं होगा, 9 भी दोनों से नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ऐसे ही मैंने इंक्रीमेंट करते करते देखा 14 पहला नंबर है,
जो दोनों से डिविजिबल है, तो 2 और 7 का एलसीएम निकला 14। ब्रेक किया, पहला आंसर मुझे मिला 14, यानी एलसीएम की वैल्यू हो गई 14। अब ये 14 को मुझे आगे के नंबर के साथ एलसीएम निकालना है, तो मैं निकालूंगा, तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप। तो मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, अब मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि शुरू की 2 पोजीशंस मैंने ले ली है, 0 और 1 मैंने ले लिया है। अब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा? जहां तक लिस्ट की लेंथ है। और अगेन यूजिंग रिकर्शन, अब मैं फाइंड एलसीएम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि रिकर्शन नहीं बोलेंगे, सिंपल ये तो आप फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फाइंड एलसीएम। एलसीएम है मेरा 14 जो यहाँ से निकला, एल आई यानी एल टू, तो 14 और 3, अब ये फिर से वापस फंक्शन में जाएगा, ठीक है? और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी, तो 14 और 3 का निकलेगा कुछ 42। अब एलसीएम की वैल्यू 42 हो गई जो यहाँ पे आ गई, 42 और L3 9, 42 और 9 का एलसीएम कुछ निकलेगा, वो एलसीएम की न्यू वैल्यू हो जाएगी, और L4 यानी 4, तो वो फिर इन दोनों का एलसीएम वैसे ही निकलेगा, और आपका आंसर लास्ट में आएगा। इन दिस केस ये आ रहा है एलसीएम 250। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक एलसीएम ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? लॉजिक वही रहेगा, बट अब आप एक लूप लगाकर ये चीज को अचीव करोगे। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके।